आप ये देखिए कि ये जो बड़े बड़े फिल्मी सितारे हैं, जो ड्रग्स जाल में फंसे हुए हैं, इनकी संपत्ति का जरा हिसाब देख लीजिए आप। इस पर नजर डालनी बहुत जरूरी है। ये देखिए संपत्ति 103 करोड़ की, प्रति फिल्म फीस जो है वो 10 करोड़ ली जा रही है, विज्ञापन के लिए कितने लिए जा रहे हैं, ये तीनों कलाकार, तीनों अभिनेत्री जो ड्रग्स के जाल में फंसी हुई हैं, ये पूरा ब्यौरा आपके सामने है। संपत्ति करोड़ों में, लाखों में ये विज्ञापन की फीस इन्हें मिलती है, फिल्मों के लिए करोड़ों कमाती हैं, ये प्रति फिल्म कितनी फीस है हर कलाकार की, वो आपके सामने है। मेजर जनरल JKS परिहार, जब आप इतना पैसा कमा रहे हैं, आपके पास इतनी ताकत है, आपकी इतनी ब्रांड वैल्यू है, तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। जी बिल्कुल, और मैं गजेंद्र जी का साधुवाद दूंगा कि उन्होंने रील और रियल लाइफ के दोनों पहलुओं को अच्छी तरह से रखा और इस बात पे जोर दिया कि रियल लाइफ के लोगों को रियल लाइफ में भी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। गजेंद्र जी, आपने जिम्मेदारी बहुत अच्छी 40 साल निभाई है और उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आपने भी माना है कि आज की जनरेशन में ये सब हो रहा है, तो ये एक आध अपवाद नहीं है, ये कुछ काफी ज्यादा हो गया है। और ये सब ग्लैमर की वजह से और जो शॉर्टकट से पैसा आता है वो सारे समाज को बिगाड़ रहा है, और इसके लिए हम कुछ हद तक हम सब जिम्मेदार हैं कि हम जानते हैं कि रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है, तब भी उनको भगवान की तरह पूछते हैं और उनके रोल मॉडल मान के चलते हैं। सरकार एक 27 साल के एक्ट्रेस को पद्मश्री दे देती है और एक सैनिक जो है वो पहाड़ों पे चढ़ता है, जनरल सिन्हा 99 कारगिल वार में पहाड़ों में रहे, लड़ते रहे, उनको कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। परमवीर चक्र विजेता मैं जानता हूँ, एक है, नाम नहीं ले रहा हूँ जानबूझ के, उनको हरियाणा में अपनी जमीन के केस की लड़ाई के लिए जो दर दर जाके लोगों से मिलना पड़ता है, तब भी बात बनती नहीं है। मेरे रोल मॉडल कौन होना चाहिए? मेरा रोल मॉडल एक सच्चा इंसान है, जो काम वो करता है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे फिल्म में हो, चाहे मीडिया में हो। मेरा रोल मॉडल मीमांसा हो सकती है क्योंकि वो स्पष्ट रूप से और सही तरीके से बात रख रही है। मेरे रोल मॉडल जनरल सिन्हा हो सकते हैं, गजेंद्र चौहान साहब हो सकते हैं, मगर वो एक्टर और एक्ट्रेस नहीं हो सकते हैं जो एक पूरी युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें शासन भी जिम्मेदार है, उनको रिकॉग्नाइज करता है, ज्यादा उनको ग्लैमराइज करता है, तो हम सब जिम्मेदार हैं। और मेरा रोल मॉडल मेरी बेटी है जी, बिल्कुल, जो रोल मॉडल कोई भी हो सकता है, लेकिन वो होना चाहिए जो ईमानदारी से अपना काम करता है। उसमें ये धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए कि आप बोलते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं।